सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। आज मैं आपको चाइना डब की सारी एग्जामों के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कि मेल और फीमेल में पहचान कैसे की जाती है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि इनमें 3 से 4 किस्में होती हैं। एक तो होती है सिंपल, जो जिसे हम डायमंड डब भी कहते हैं, और उसके बाद सिल्वर हो गई, उसके बाद पाई डब हो गई, और लास्ट पर सबसे महंगी होती है जो बिल्कुल वाइट कलर की होती है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ, रेड कलर की भी होती है एक। तो मेल और फीमेल सबकी वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो आप वीडियो एंड तक देखना। और एक और चीज़ भी बताऊंगा कि आपने वो गलती बिल्कुल नहीं करनी जो कि मैंने की है, ठीक है। तो मेरे बर्ड देख के आपने मुझसे सीखना है, और इसीलिए मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ ताकि आप मुझसे सीखें और अपना अच्छा बिजनेस रन कर सकें। तो आ जाएं, मैं आपको सबसे पहले पकड़ने जाता हूँ। सबसे पहले देख सकते हैं आप, इसी कलर की होती है ये, आप गौर से देखें पूरी की पूरी। इसका रेट जो है तकरीबन मार्केट में चल रहा होता है इस सीज़न में तो 1000 रुपये अब चल रहा है पेयर का, मतलब फुल पेयर भी 1000 में सेल हो रहा है, लेकिन गर्मियों में इसका रेट तकरीबन 1700-1800 का सेल हो रहा होता है। तो इस वजह से अभी फ़िलहाल इसका रेट मतलब लो है। इसे हम कहेंगे डायमंड डव। ओरिजिनल डायमंड डव की ये निशानी होती है, ये यहाँ से रेड कलर के होते हैं। इस टाइम ये बहुत डरी हुई है इसलिए हम इसे आज़ाद कर रहे हैं। जब क्या आपको अच्छा जो होती है वाइट कलर की होती है, जबकि इसके आप बाकी पर देखिए ये सबसे नीचे होती है, सबसे लो इसका रेट होता है। ये तकरीबन अभी फ़िलहाल 800 का पेयर मतलब सेल हो रहा है, जबकि ये जैसे मतलब के सीज़न गर्मियां स्टार्ट होंगी तो यही पेयर मतलब 2000 तक हमें देखने को मिलेगा, 1800 से 2000 तक। और ये भी अब डर गया तो हम इसको भी हैंड पे बिठाते हैं और उड़ा देते हैं। तो उसके बाद हमें हमारे पास आ जाती है रेड डव। इसका रेट उनसे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन ये भी अभी 1200 तक पेयर मिल रहा है, और जबकि ये गर्मियों में इसका रेट हो जाएगा तकरीबन 2000 से 2200 तक। आप इसके कलर देख सकते हैं, इसका रेड रेड कलर होता है, इसी वजह से इसे रेड डव भी कहते हैं। उसके बाद हम सिल्वर की तरफ आते हैं। ये एक मेल है आप देख सकते हैं, और इसका कलर जो होता है थोड़ा सा वाइट वाइट सा होता है, ये वाइट इसका कलर देख लें, इसे सिल्वर कहते हैं। ये नीचे से भी बिल्कुल वाइट ऐसे होते हैं पर इसके बिल्कुल, और बाकी भी आपको मैं पूरी पकड़ के दिखाता हूँ एक सेकेंड। तो अभी मैंने एक सिल्वर का पकड़ा हुआ है और एक डायमंड डब का। तो दोनों में आप देख सकते हैं कि इसका जो है ये सर्कल जो है इसके साइड पे ये बिल्कुल मतलब डार्क है, और इसका थोड़ा सा ना डिम है। गौर से अगर आप देख सकें, टच करके दिखा दें कैमरामैन भाई साहब, इसका थोड़ा सा डिम है। ये फीमेल है और जबकि ये मेल है, तो इनमें पहचान आप इस तरह से कर सकते हैं। ये देखिए ये सर्कल बिल्कुल रेड है, डार्क है, और ये डिम है थोड़ा सा ना, नज़र आ रहा होगा। दिखा दूँ कि किस किस ने एग्स दिए और किसने नहीं। ये माशाल्लाह देख सकते हैं अंडे निकले हुए हैं,
इसमें भी दो हैं, इसमें भी दो पड़े हैं, इसमें भी बेबीज निकलने ही वाले हैं। ये बेबी है और आप देखें ये माशाल्लाह इनका साइज इतना छोटा है कि आप मतलब कैमरे में इमेजिन नहीं कर सकते कि इनका साइज कितना छोटा है। ये सबसे बड़े वाला भी पकड़ूँ अगर मैं ना तो ये भी इतना छोटा है कि आप अंदाज़ा लगा नहीं सकते इसका ये कितना छोटा है। और इसको हम वहीं पे रख देते हैं, सबसे छोटे वाला पकड़ते हैं। सेकंड ये मेरी उंगलियों में आ भी नहीं रहा, ये माशाल्लाह देख सकते हैं एक उंगली मतलब बहुत ज़्यादा छोटा सा है, इससे भी छोटा है ये वाला, इससे भी छोटा है। भाई आपने ना वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि कुछ गलतियां मैंने की हैं जिस वजह से यानी हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ना तकरीबन कोई 7-8 जोड़े फिंच के लिए थे, ज़ेब्रा फिंचेस के, और कोई 4-5 जोड़े इसके लिए थे मैंने पिछले साल, जो ब्रीडर पेयर थे वो लिए थे मैंने। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये 40 के करीब हो गई हैं और फिंचेस भी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 100 प्लस होने वाली हैं। तो बताने का मकसद ये था कि मैंने ली थी सबसे जो मतलब सस्ती वाली फिंचेस हैं, सस्ती वाली डव हैं, लेकिन अगर मैं वही सोचता हूँ कि अगर मैं पाइड में इन्वेस्ट करता तो आज मतलब कि ये बहुत मतलब एक्सपेंसिव होता है। तो मेरा मशवरा यही है, एक्सपीरियंस से मैंने यही हासिल किया है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर आप चाहते हैं कि इससे आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएं, तो एग्जॉटिक बर्ड्स में लगाएं, जैसे कि गोल्डियन अभी मार्केट में आई हुई है, गोल्डियन का रेट इस तरह से बढ़ गया है जैसे कि आप सोच भी नहीं सकते, मतलब कि 4,000 का पट्टा मिल रहा है, पिछली सर्दियों में 6,000 का पेयर मिल रहा था, इस दफ़ा अभी मतलब 8,000 का भी पेयर मिल नहीं रहा कहीं से भी। तो ऐसे ही जैसे पाई डव हो गई और वाइट डव भी है, पाई डव जो है उसकी प्राइस तकरीबन 5,000 का पट्टा उसका मिल रहा है, 5,000 का पाई डव का, और जो उसका पेयर है मतलब वो 15,000-17,000 यहाँ तक मिल रहा है। और एक वाइट होती है बिल्कुल वाइट कलर की होती है, डायमंड डव भी उसे कहते हैं, चाइना डव, तो उसकी जो प्राइस है तकरीबन वो 30,000-35,000 का पेयर। सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना ठीक है।